तो इसी बीच में आपका कोई ना कोई ऐसा होगा जो साढ़े बाईस डिग्री होगा क्या? इसी बीच में आपका कोई ऐसा डिग्री होगा जो साढ़े छियासठ डिग्री होगा, होगा क्या? और इसी बीच में ऐसा एक यहाँ आएगा जो आपका क्या होगा, नब्बे डिग्री। ऐसा सेम नीचे भी किया गया, नीचे भी एक डिग्री दो डिग्री ऐसा ऐसा करके कोई ना कोई ऐसा डिग्री होगा जो साढ़े तेईस डिग्री होगा, होगा कि नहीं? और नीचे भी साढ़े छियासठ होगा, नीचे भी क्या होगा साढ़े छियासठ होगा और नीचे भी क्या होगा नब्बे डिग्री होगा। तो इस पृथ्वी पे टोटल 181 अक्षांश रेखाएं खींची गई है। पृथ्वी पे कितने अक्षांश रेखाएं? 181, 90 ऊपर 90 नीचे, तो टोटल 180 और 0 डिग्री आपका क्या हो गया आपका 1, तो 181 हुआ। तो टोटल इस पृथ्वी पे 181 जो है अक्षांश रेखाएं खींची गई है। और इसी चीज पे क्या गया, चलिए बीचों बीच खींचा है, ये कौन सा रेखा है? 0 डिग्री है। ये जो आपका है ये कैसा है? साढ़े तेईस डिग्री है। कितना है? साढ़े तैतीस लिख दिया है, लेकिन आपको याद रखना है साढ़े तेईस। और यहाँ पे आपका सारा का सारा ये क्या है? साढ़े छियासठ डिग्री, साढ़े छियासठ डिग्री। और यहाँ पे आपका क्या है? नब्बे डिग्री। सेम ऊपर ऐसा है तो नीचे भी ऐसा होगा क्या? नीचे भी ऐसा है इस तरह से। इसका है साढ़े तेईस डिग्री, इसका साढ़े तेईस डिग्री, और ये आपका है साढ़े छियासठ डिग्री, साढ़े छियासठ डिग्री। और यहाँ पे आपका नब्बे डिग्री। तो क्या किया गया है वैज्ञानिकों ने, हमारे पृथ्वी को अगर आप देखते हैं कि पूरा का पूरा गोला है, और ये जब पूरा का पूरा गोला है तो सूर्य की जब किरणें पड़ती है तो हमारे पृथ्वी पे एक जैसा नहीं पड़ती है, एक जैसा नहीं पड़ती। आप जानते हैं कि मोहरा थोड़ा छोटा है, आपको साइड में लगेगा कि मोबाइल से बड़ा। मान लेते हैं आप जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी पे पहुंचता है, तो जो ये बीच वाला उभरा वाला भाग है इसपे सूर्य की किरणें क्या पड़ती है? सीधा का सीधा पड़ता है एनी टाइम। तो जहाँ पे सूर्य की किरणें सीधा पड़ेगी वहाँ पे गर्मी क्या होगा? ज्यादा होगा। अब अगर यहाँ पे सूर्य है मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं सूर्य, चलिए इस जगह पे मान लीजिए सूर्य की किरणें है और पड़ रही, तो सीधा का सीधा सूर्य का किरण इस बीच वाले बेल्ट में पड़ेगा, सीधा का सीधा क्या पड़ेगा? तो यानी बीच में सूर्य की किरणें क्या पड़ती है? सीधा का सीधा लंबवत पड़ती है। और जहाँ पे सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ेगी वहाँ पे गर्मी ज्यादा की गर्मी कम? गर्मी ज्यादा। तो इस बीच वाला जो कटिबंध है, बीच वाला जो क्षेत्र है, इस बीच वाले क्षेत्र को बोलते हैं उष्ण कटिबंध। गर्मी को उष्ण करते क्या, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं लोग, उष्ण कटिबंध। जैसे आप इससे ऊपर आइएगा, अब इस बीच वाला जो आपका बेल्ट है इस बेल्ट में इतना साढ़े तेईस डिग्री ऊपर साढ़े तेईस डिग्री नीचे, इस वाले बेल्ट को बोलते हैं उष्णकटिबंध। अब यहाँ जो सूर्य की किरणें पड़ेगी, यहाँ की सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी या सीधी पड़ेगी? तिरछी पड़ेगी। जब तिरछी पड़ेगी तो गर्मी भी लगेगा और ठंडी भी लगेगा थोड़ा सा, मतलब उतना गर्मी नहीं लगेगा जितना की आपका इस बीच में लगता है भूमध्य रेखा पे। उससे क्या लगेगा? कम लगेगा, मतलब ठंडा और गर्मी दोनों लगेगा। तो इस वाले बेल्ट में यहाँ से लेके साढ़े तेईस डिग्री से लेके साढ़े छियासठ डिग्री का जो बेल्ट कहलाता है, ये कहलाता है शीत प्लस उष्ण, शीत प्लस उष्ण। तो इस दोनों को एक साथ शक्ति विच्छेद करेंगे तो लिख सकते हैं शीतोष्ण क्या, इसको नहीं लिख सकते शीतोष्ण। तो ये जो आपका कटिबंध है या ये जो क्षेत्र है आपका, कौन सा क्षेत्र है? शीतोष्ण कटिबंध है। अब जैसा ऊपर में है वैसा नीचे भी होगा क्या? तो नीचे होगा, इसको बोलते हैं हम लोग शीतोष्ण कटिबंध। इसको भी क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। इसको भी बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध, लेकिन नीचे है तो नीचे है तो कौन सा कटिबंध बोलते हैं? दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, और ऊपर है तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। अब एक बात चलिए, इतना दूर चलिए, जहाँ वहाँ गर्मी यहाँ गर्मी ठंडी दोनों। अब सूर्य का किरण यहाँ पे तो सूर्य का किरण पूरा नगण्य मात्रा में पहुंचेगा। इस मात्रा में पहुंचेगा नगण्य मात्रा में, सूर्य का किरण ज्यादा पहुंच पाएगा इस जगह पे क्या? नहीं पहुंच पाएगा। तो यहाँ सूर्य का किरण अगर नहीं पहुंच पाएगा तो गर्मी की ठंडी ठंडी पूरा का पूरा शीत, पूरा का पूरा शीत रहता है। इसीलिए इसको बोलते हैं शीत कटिबंध। इसको क्या बोलते हैं? शीत कटिबंध। तो पृथ्वी को मोटे तौर पे कितने कटिबंधों में विभाजित किया गया है? वो उष्ण, ऊपर वाला शीतोष्ण, और फिर शीत। ऊपर है तो उत्तरी शीत
उष्णकटिबंध, ऊपर है तो मैप में नक्शा में कहीं भी ऊपर कौन सा दिशा, नीचे इस साइड, इस साइड तो ऊपर है तो कैसा कटिबंध, उत्तरी शीत कटिबंध, और नीचे है तो दक्षिणी शीत कटिबंध। यहाँ तक समझ में आया? ये रहा कटिबंध, मतलब इसका बड़ा इफेक्ट है। आप एक आगे जो पढ़ाएंगे आपको, देखिए गर्मी यहाँ ज्यादा है। अब समझते हैं इनको कटिबंधों में बांटा गया। कटिबंध में बांटने के बाद एक चीज इसमें समझ लिया, एक चीज होता आप जानते हैं सूर्य की किरणें पड़ेगी, तो सूर्य की किरणें पड़ेगी तो यानी हमारी पृथ्वी पे तापमान आती है। सूर्य का ताप हमारी धरती पे क्या करता है, आता है। और सूर्य का ताप हमारी जलवायु को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। सूर्य का ताप करता है हमारी जलवायु को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। कैसे करता है इसी को समझना जलवायु चैप्टर तो स्टार्ट किए। पढ़ना तो वो क्या है, जलवायु आना घूम फिर के यही है। हमारी इस पृथ्वी पे जो है जलवायु को जो परिवर्तन करता है मौसम को, तीन चीज परिवर्तन करता है। एक करता है ताप यानी सूर्य का ताप, दूसरा करता है वायुमंडल का दाब। पहला ताप और दूसरा वायुमंडल का दाब। वायुमंडल के दाब की ही वजह से हवाएं चलती है, समझिएगा। वायुमंडल के दाब की ही वजह से हवाएं चलती है। तीसरा आता है आर्द्रता। इसका क्या आता है, आर्द्रता। आर्द्रता वो होता है हवा में कितना जलवाष्प की मात्रा है, नमी है, कितना जलवाष्प की मात्रा है उसी को क्या बोलते हैं, आर्द्रता। तो क्या होता है, जलवाष्प यानी तापमान और दाब में उल्टा रिलेशन होता है। जहां पे तापमान रहता है ज्यादा वहां वायु दाब क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, सीधा का सीधा समझिए, वायु जब गर्म होती है वो क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है। और हल्की हवा का ये कंडीशन है वो कहाँ चली जाती है, ऊपर। हल्का चीज ऊपर की नीचे, ऊपर। तो सिंपल सा बात है, जहाँ की हवाएं, जहाँ पे वहां नीचे इस जगह पे हवाएं है क्या, हवा है। और अभी क्या कीजिए, रूम को गर्म कर दीजिए पूरा का पूरा, तो रूम का जितना भी हवा है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और जैसे ही हवाएं गर्म होंगी, हवाएं कहाँ उठेगी, ऊपर, हवाएं ऊपर उठेगी। इसी वजह से वेंटिलेटर वहां लगाते हैं ऊपर में, जैसे रूम का जितना भी गर्म हवा होगा सब वेंटिलेटर से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। कभी वेंटिलेटर नीचे नहीं लगाते, खिड़की इस वजह से देते हवाएं आ सके, हवाएं आ सके। और वेंटिलेटर इसलिए देते हवा आने के लिए नहीं, हवा निकलने के लिए। वो भी कैसा हवा, गर्म हवा, वो भी कैसा हवा, गर्म हवा। अब एक सर जबरदस्ती आ जाता है, आपके रूम में गर्म हवा रहेगा तब ना निकलेगा। अब ठंडा मौसम है, मौसम क्या है, ठंडा है, तो ठंडा हवा तो बैठा रहेगा, गर्म हवा ऊपर जाता है और उधर से निकल जाता है। तो वैसा कंडीशन तो इस जगह भी होता होगा, इस जगह होता होगा कि नहीं। यहाँ पे गर्मी ज्यादा तो यहाँ पे वायुदाब कैसा कम, यहाँ पे मिला जुला के है तो वायुदाब मिला जुला के होगा, यहाँ पे शीत तो वायुदाब क्या ज्यादा, यहाँ तापमान ज्यादा तो वायुदाब क्या कम, यहाँ पे तापमान कम तो वायुदाब क्या ज्यादा। तो इस पृथ्वी को जो बांटा गया है सात वायुदाब पेटियों में बांटा गया है। कितने वायुदाब पेटियों में बांटा गया, सात वायुदाब पेटियों में बांटा गया इस पूरे के पूरे इस पृथ्वी पे। कितने वायुदाब पेटी में, सात। अब इसी को थोड़ा डिटेल्स में करते हैं, इसी को थोड़ा किसमें करते हैं, डिटेल्स में करते हैं। आगे आइए, अगला है वायुदाब पेटी, वही है पृथ्वी, लेना है वो तो हम क्या करती है। अब क्या करना है, अब इसको बांटे हम लोग इसमें वायुदाब पेटी में। अभी जस्ट बोले जहाँ पे तापमान ज्यादा वहाँ पे वायुदाब कम, तो कंडीशन है पृथ्वी के सात वायुदाब होता है। थोड़ा डेप्थ चलेंगे, कल ऊपर ऊपर बताए थे, आज डेप्थ चलेंगे, एक्स्ट्रा चीजें बनाएंगे, इस वजह से याद रखिएगा, अच्छी बात भारी भी कीजिएगा। तो ये जो आपका पूरा का पूरा ये बीच वाला जो रेखा है, ये रेखा है आपका भूमध्य रेखा, इस बीच में जो है ये है आपका कितना डिग्री, जीरो डिग्री। तो पृथ्वी को कितने वायुदाब पेटी में बांटा गया है, सात वायुदाब पेटी में। सबसे पहला वायुदाब पेटी जो है उस पेटी का नाम है विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। दूसरा है कुपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, ये वाला है। तीसरा है पूर्व ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, कुछ में इसको नाम लग रहा हूँ अच्छा, इसको बोलते हैं ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाले को बोलते हैं क्या, दक्षिणी ध्रुव। अब ध्रुव ये है और नीचे वाला क्या है, ये भी ध्रुव और ये भी ध्रुव। अब ध्रुव से नीचे वाला जैसे प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति होता है, ये है ध्रुव। तो इसको उप ध्रुव ये नहीं बोल सकते क्या, इससे थोड़ा नीचे ही ना,
सबसे टॉप पे, इससे थोड़ा नीचे वाला जो ये बैठा है इसको ध्रुवीय क्षेत्र बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं। ऊपर है उप प्रधानमंत्री, नीचे उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो उससे पद से छोटा है थोड़ा सा, उसमें उप लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? वाइस प्रिंसिपल सर लगते होंगे। ये उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, इसी का नाम रखे उप ध्रुवीय निम्न और उच्च का है बताते हैं उसी का डिस्कशन। सिर्फ इसका नाम रखे, इसका नाम रखा है उपोष्ण, मतलब उष्ण और शीत दोनों मिला के इसका नाम रखा है उपोष्ण कटिबंध, और इसको बोलते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। और ये जो उच्च वायुदाब पेटी होता है ये 30 डिग्री अभी जस्ट बताया ना ऊपर पे कितना डिग्री तक 90 डिग्री, एक दो तीन चार पाँच छह सात ऐसा करके कितना 90, और नीचे भी कितना 90। ये जो जीरो है जीरो से ऊपर पांच जैसे आइएगा 5 डिग्री तक, और नीचे भी आइएगा कितना डिग्री तक 5 डिग्री तक। तो ये जो बेल्ट कहलाता है ये पूरा का पूरा क्षेत्र, इतना बड़ा क्षेत्र को हम बोलते हैं विश्व रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। ये बीच वाले का रेखा का क्या नाम है जस्ट बताए, हम बताए थे भूमध्य रेखा, इसका क्या नाम बताए थे भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा का जो दूसरा नाम है उसका क्या नाम है विश्व रेखा, इसका क्या नाम है विश्व रेखा, इसका एक और नाम है इसको आप बोल सकते हैं जीरो डिग्री अक्षांश रेखा। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है, सब इनके रंग बात है। आपका नाम नहीं होगा छोटू मोनू सोनू करने का ही और सर्टिफिकेट में कुछ और सेम उसी प्रकार से। तो ये भूमध्य रेखा, ये विषुवत रेखा, ये जीरो डिग्री अक्षांश वही है। तो इसी वजह से इसको हम बोलते हैं विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। जैसे बोले वायु दाब, जहाँ पे तापमान ज्यादा वहाँ पे वायु दाब क्या रहेगा कम। तो इस बीच में सबसे ज्यादा वायु दाब रहेगा क्या? सबसे ज्यादा वायु दाब रहेगा नहीं, इस जगह पे सबसे ज्यादा क्या रहेगा तापमान रहेगा। सबसे ज्यादा सूर्य की किरणें कहाँ ज्यादा लंबवत पड़ेगी इस वाले बेल्ट में, और सूर्य की किरणें अगर सबसे ज्यादा यहाँ पड़ेगी तो वायु दाब कैसा होगा कम होगा, वायु दाब कैसा निम्न वायु दाब। जैसे इससे ऊपर जाइएगा आप, यहाँ पे क्या होता है यहाँ की जो सारी की सारी हवाएं हैं, सारा का सारा हवा है, यहाँ से जितना भी हवाएं था सब निम्न वायु दाब हुआ, हवा गर्भ होके कहाँ उठ गया ऊपर उठ गया। हवा गर्भ होके कहाँ उठा ऊपर उठेगा, हवा जैसे बोले हवा गर्भ होके हल्का होता है तो कहाँ उठ जाता है ऊपर। जब इस जगह की हवाएं गर्भ होके ऊपर उठेंगी तो ऊपर उठने के बाद जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा ना तापमान क्या होते जाता है कम होते जाता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाइएगा तापमान कम, तो आप पर्वतों की चोटी पे आप देखेंगे पर्वत की चोटी पे बर्फ पाया जाता है, बर्फ कहाँ रहता है पर्वत की चोटी पे, इसका मतलब ऊपर जाते जाते ठंडा होता है तब ना बर्फ की चोटी, बर्फ का चोटी कहाँ रहता है पर्वतों पे। कभी देखे पर्वत के नीचे में बर्फ, पर्वत के नीचे बर्फ देखे हैं नहीं देखे होंगे पूरे देखेंगे। इसका मतलब साफ साफ है जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाइएगा तापमान क्या होते जाता है कम होते जाता है। आप और ऊपर जाइए और ऊपर जाइए आपको तापमान क्या मिलते जाएगा कम मिलते जाएगा। तो आप जैसे जैसे इस जगह की हवाएं ऊपर उठते ऊपर धीरे धीरे होगा जो गर्म हवा ऊपर उठ रहा है क्या होगा ठंडा होगा, ठंडा होगा। इसको कैसा इमेजिन कर रहे पृथ्वी इमेजिन कीजिए, इसको कैसा इमेजिन कीजिए पृथ्वी इमेजिन कीजिए, और जो आपका ये वाला बेल्ट है यानी 5 डिग्री ऊपर से 5 डिग्री नीचे, ये जो बेल्ट वाला क्षेत्र है इस जगह की हवाएं गर्म होके कहाँ उठी ऊपर उठी, और गर्म होके जैसे ऊपर जाते जाएगा ऊपर में तापमान कैसा है ठंडा है, ऊपर में तापमान क्या है कम है, तो वही गर्म हवा क्या हो जाएगा ठंडा हो जाएगा। वही गर्म हवा कैसा हो जाएगा ठंडा हो जाएगा। जब वही गर्म हवा ठंडा होगा तो ठंडा जैसे होगा हवा क्या होगा भारी होगा, फिर हवा क्या सोचेगा बैठ गया, फिर क्या सोचेगा हवा बैठ गया, तो बैठेगा कौन इसी जगह पे नहीं, कहा इस जगह से तो हवाएं आ ही नहीं है ऑटोमेटिक सब भी। उसके बाद ये हवाएं कहाँ बैठ जाती है इस वाले क्षेत्र में ऊपर जाके बैठ जाती है, कहाँ पे ऊपर जाके बैठ जाती है इस वाले क्षेत्र में, इधर का हवा इधर और इधर का हवा कहाँ पे इधर आके बैठ जाती है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ठंडी रहता है क्या, यहाँ पे कैसा रहता है ठंडी रहता है। तो यहाँ की जो हवा है ऑलरेडी क्या है ठंडा है, यहाँ का हवा ऑलरेडी क्या है नीचे है, और ऊपर से आके इधर का जो हवा ऊपर उठ के ठंडा हुआ था वही आके फिर इसी पे बैठ गया, तो वायुदाब ज्यादा हो जाएगा तो कम हो जाएगा, वायुदाब क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। और ये कहां से कहां तक 30 डिग्री अक्षांश से लेके कितने डिग्री अक्षांश तक 35 डिग्री, इधर भी 30 डिग्री अक्षांश से लेके कितने डिग्री अक्षांश तक 35 डिग्री अक्षांश तक। तो इसी वजह से इस वाले बेल्ट में जो पाया जाता है
उच्च वायुदाब पाया जाता है। कैसा वायुदाब? उच्च वायुदाब। सूर्य की किरणें यहाँ सबसे ज्यादा की यहाँ बीच में, यहाँ इसके अपेक्षाकृत तो गर्मी कम रहेगा। जब गर्मी कम होगा तो यहाँ की जो ऑलरेडी इस वाले क्षेत्र में वायु है वो तो ऑलरेडी नीचे ही बैठा रहेगा, वो ऑलरेडी नीचे बैठा रहेगा, और इधर का जो हवाएं है इधर जाके उस पे बैठ जाती है, ऊपर से और जोर बढ़ा देता है। जैसे ऊपर से जाके और हवाएं बैठती है, अब बोलेगा सर हवा कहाँ बैठती है? जैसे ही हवा ऊपर ठंडा हुआ, ठंडा हुआ तो भारी हुआ कि नहीं? ठंडा हुआ तो भारी हुआ ना, भारी हुआ तो बैठेगा ना उस साइड और इस साइड। बोलिएगा सर इसी जगह कहा बैठेगा? ये बात है इसी जगह तूने बैठा, क्योंकि इस जगह से ऑलरेडी हवाएं देखे अभी करते हैं, समझ गए? इधर से हम क्या करें, एक फव्वारा इसे निकाले, समझ गए? और ये फव्वारा कंटिन्यू चलते रहे, फव्वारा अगर जाएगा ऊपर जाके फव्वारा इसी पे गिरता है, उसी पे गिरता है, तभी नहीं है। मैं पूछा तो आप मोटर देखिएगा, उसने मोटर का पाइप आप दीजिएगा और पाइप ऐसे खड़ा कर दीजिएगा, इसने करना पाइप ऐसे खड़ा कर दीजिएगा तो पाइप का जो पानी ऐसे निकल के ऐसे जाता है, पानी का पाइप निकल के ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, जाता है कि नहीं? वही तो हम समझा रहे, समझ गए? वही ना हम समझा रहे आपको जी। आप तो लग रहा होगा सर साइड पानी बैठेगा, अगर मोटर का पानी देखिए, मोटर का पानी एक फव्वारा निकला आप छोड़ दीजिए बंद कर दीजिए तुरंत आप गिर जाएगा उसी जगह, लेकिन अगर कंटिन्यू पाइप से पानी निकल रहा है, समझ गए? तो फव्वारा किधर जाएगा? साइड जाएगा और इस साइड जाएगा, तो इधर का फव्वारा उधर और इधर का फव्वारा इधर। अब बुझे बात को मैं बुझे, इधर का वायु जब इधर जाएगा ऊपर पे जाके तो बैठेगा ना, लोड बढ़ाएगा ना, तो लोड बढ़ाएगा तो कैसा वायुदाब? उच्च वायुदाब। कैसा वायुदाब? उच्च वायुदाब। और इस पेटी को हम बोलते हैं उपोष्ण पेटी। कैसा बोलते हैं? उपोष्ण पेटी। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। ठीक, अब समझे? इधर भी और इधर भी। अब बचा आपका ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, ये बचा आपका उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। निम्न वायुदाब पहले बता दिए, इसका मतलब वायुदाब क्या है? कम है। अब क्या है दूसरा समझिए, इस जगह पे वायुदाब आपका ज्यादा है, वायु का दाब क्या है? ज्यादा है। और अभी जस्ट बोले जहां पे तापमान ज्यादा वहां पे वायुदाब कम, जहां पे तापमान कम वहां पे वायुदाब ज्यादा। तो इस जगह पे तापमान कैसा? कम। यहाँ पे तापमान कैसा? कम। तो वायुदाब कैसा? ज्यादा। और नीचे भी वायुदाब कैसा? ज्यादा। ई वाले में, ई वाले में, ई वाले में वायुदाब कैसा? और ऊपर वाले में कैसा? ज्यादा। बीच वाले में निम्न। तो यहाँ पे निम्न कैसे? वहां वही समझा रहे हैं, यहाँ पे तापमान की वजह से क्या हो गया? वायुदाब ज्यादा हो गया। यहाँ पे किसकी वजह से? तापमान की वजह से। कहा कि तापमान यहाँ पे क्या है? कम है, वायुदाब ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे वायुदाब का रीजन बताई, इधर का हवा जाके बैठ जाता है किस पे? इस वाले क्षेत्र पे और इस वाले क्षेत्र पे, इसी वजह से यहाँ हो जाता है वायुदाब उच्च वायुदाब। अब बचा इस बीच में निम्न वायुदाब, इसका कंडीशन क्या है? हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, हवाएं किधर से? उच्च वायुदाब से किधर जाती है? निम्न वायुदाब की ओर। हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, मतलब समझिए तारीख से किधर जाती है? हल्का की ओर। जिधर उच्च वायुदाब है ना उधर से कहां जाएगा? निम्न वायुदाब की ओर। इस जगह पे भी उच्च वायुदाब और ऊपर भी कैसा वायुदाब? उच्च वायुदाब। तो इधर की जो उच्च वायुदाब की हवाएं अपना चलना प्रारंभ करती है किस ओर? इधर निम्न वायुदाब की ओर। इस वायुदाब की ओर मतलब 60 से 65 डिग्री के अक्षांश के बीच चलना प्रारंभ करती है। इधर से हवाएं जो उच्च वायुदाब वाली हवाएं हैं वो चलना प्रारंभ करती है इस साइड ओर, और ऊपर में भी कैसा वायुदाब? उच्च वायुदाब। तो इधर भी हवाएं चलना प्रारंभ करती है इधर, और जाके जब इधर की उच्च वायुदाब की हवाएं और इधर की उच्च वायुदाब की हवाएं आपके बीच के टकराती है 20 डिग्री अक्षांश के बीच में, 60 से 65 डिग्री अक्षांश के बीच में आके क्या करती है? दोनों हवाएं टकराती है। अब लू हवा टकरा गया तो कहां? तल के ऊपर, ऊपर दो हवाएं उच्च वायुदाब की दो हवाएं टकरा के ऊपर उड़ जाती है। अब फिर हवा ऊपर उड़ गया, निम्न वायुदाब की उच्च वायुदाब, निम्न वायुदाब। ये वाला जो उच्च वायुदाब वाली हवा है और ऊपर वाली उच्च वायुदाब वाली हवा है आपके 60 से 65 डिग्री अक्षांश के बीच क्या करती है? टकरा जाती है। और जैसे ही टकराया इस जगह से हवाएं क्या करती है? ऊपर उड़ जाती है। जब हवाएं ऊपर उड़ जाती है इस जगह पे कैसा बेल्ट बन जाता है? निम्न वायुदाब का। कैसा बेल्ट बन जाता है? निम्न वायुदाब का। सेम कंडीशन नीचे होता है,
इधर भी कैसा वायदा? उच्च वायदा। और ऊपर में भी कैसा वायदा? उच्च वायदा। और इस बीच में कैसा वायदा? उच्च वायदा। तो इधर की हवाएं इधर चली, इधर की हवाएं इधर चली, और इधर की हवाएं इधर चली, और दोनों आपके 60 से 65 डिग्री के बीच क्या हुआ? टकरा गया। इस वाले अक्षांश का एक स्पेशल नाम रखते हैं, इस वाले अक्षांश को इसका नाम रखते हैं अश्व अक्षांश। इसका क्या नाम रखते हैं? अश्व अक्षांश। इसके पीछे वो कहानी है, समझाते हैं। अश्व अक्षांश। और इस वाले का नाम रखते हैं डोल्ड्रम। इस वाले को क्या नाम रखते हैं? डोल्ड्रम। डोल्ड्रम का हिंदी होता है इस जगह पे शांत पेटी। इसको क्या बोलते हैं? शांत पेटी। सब आपसे डायरेक्ट डोल्ड्रम कितने अक्षांश से लेके कितने अक्षांश तक? 5 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिण। डोल्ड्रम इसको क्यों बोलते हैं? इस जगह की क्या होती है? हवाएं गर्म होके ऊपर उठ जाती है। इस जगह की हवाएं गर्म होके क्या हो जाती है? ऊपर उठ जाती है। जो हवाएं ऊपर ऐसे ऐसे चले ना, वो शोर करती नहीं है। हवाएं जो क्षेत्र चलेगी वो शोर करेगी। जो हवाएं ऐसे बहती है, जो हवाएं क्षेत्र चलती वो शोर करती है, ना कि आपका ऊपर नीचे जाने वाला हवा शोर करता है। तो इस बीच में आपको लगेगा हवा चल नहीं रहा, पूरा का पूरा शांत रहेगा। इसीलिए इसको कौन सा पेटी बोलते हैं? शांत पेटी बोलते हैं। और इसको बोलते हैं अश्व अक्षांश। 30 डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ, मतलब 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच को कौन सा अक्षांश बोलते हैं? अश्व अक्षांश। क्या होता है? मध्य काल में। किस काल में? मध्य काल में घोड़े का व्यापार बहुत ज्यादा होता था। मध्य काल में किसका व्यापार होता था ज्यादा? घोड़े का व्यापार बहुत ज्यादा होता था। व्यापारी क्या करता था? अपने गांव में क्या करता था? घोड़ा लाता था और चले आता था इससे इस करके। जब इधर आता था, जब इस जगह पे आता था, यानी 30 से 35 डिग्री के बीच में, उसका गांव डगमग होने लगता था। पहले तो बड़ा बड़ा सीप नहीं है, तालाब तो बड़ा बड़ा सीप आ गया, उससे कोई फर्क पड़ता हुआ हिसाब से नहीं है। तो पहले पाल वाला नाव चलता था मध्यकालीन भारत में। घोड़ा लाद के उलाता था समुद्रों के मार्ग से दूसरे देश में बेचा करता था सब मध्यकालीन भारत में। तो जब इस 30 से 35 डिग्री के अक्षांश के बीच में आता था ना, तो वायुदाब क्या हो जाता था? ज्यादा हो जाता था। और जैसे वायुदाब ज्यादा होने लगता था, तो नाव क्या करने लगता था? डगमगाने लगता था, नाव डूबने लगता था। तो बचने के लिए क्या करता था वो व्यापारी सब? अपने नाव का सारा सामान फेंक देता था। फिर भी देखता था उपाय कुछ नहीं है, तो घोड़े को फेंक देता था। घोड़े को क्या करता था? फेंक देता था। तो इसी वजह से उधर का आदमी सब जो व्यापारी वर्ग था, इस अक्षांश को क्या नाम दे दिया? अश्व अक्षांश। कौन सा अक्षांश दे दिया इसका नाम? अश्व अक्षांश बोलता है। इसमें लेके जाओगे अगर इस बीच में गया, उतना जलवायु का नॉलेज नहीं है था उस समय के लोगों को, तो बाद में पता चला ऐसा ऐसा बात होता है, यहाँ पे उच्च वायदा होता है, इसी वजह से नाव क्या होने लगता है? डूबने लगता है। अगर भारत के लोग रहते तो बच्चे उसका भूत होगा। अगर भारत के लोग रहते तो क्या बोलते? उसका भूत होगा। और उसमें ऐसा भी भूत होगा जो पूरा का पूरा क्या होगा, जो तरह तरह का भूत का भी वेरायटी है ना, भूत अलग होता है, अगर नरसिंह लड़का है उसका अलग होता है, अलग अलग प्रकार से। चलिए देखिए इस जगह पे क्या है? अश्व अक्षांश है। इस जगह पे कौन सा अक्षांश? अश्व अक्षांश। तो नीचे भी अक्षव अक्षांश है और ऊपर भी क्या है? अश्व अक्षांश है। आपसे पूछेगा डोल्ड्रम कितने डिग्री अक्षांश से लेकर कितने डिग्री अक्षांश तक? डोल्ड्रम कितने? 5 डिग्री। 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री। अश्व अक्षांश कहाँ से कहाँ तक? 3 डिग्री दक्षिण। दोनों में है। और पृथ्वी को कितने वायुलाभ पेटी में बांटा गया है? 60 वायुलाभ पेटी में बांटा गया। अब समझ में आया? आया ना। चलिए आगे बढ़े क्या? चलिए तो इस बीच में कैसा वायदा? इसमें कैसा? फिर याद करने में निम्न से स्टार्ट करने में अल्टरनेट निम्न उच्च निम्न उच्च और नीचे भी समझे। बस नौ बदलते जाना है। विषमत रेखीय, उपोष्ण, उपद्रवीय और ध्रुवीय। ऊपर वाले का क्या नाम है? ध्रुव। ऊपर वाले बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, नीचे वाले बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। चलिए अब आगे आगे आपका एक चीज समझना है। कोरियोलिस बल। एक वैज्ञानिक थे, फ्रांस के वैज्ञानिक हुआ करते थे, उसका नाम क्या था? कोरियोलिस। उसका नाम क्या था? कोरियोलिस। और कोरियोलिस जो बोलते ये वैज्ञानिक, इन्होंने कहा कि हवाएं जो है, सुनिएगा, इन्होंने सिर्फ एक सिद्धांत दिया, इन्होंने एक सिद्धांत दिया कि हवाएं जो है उत्तरी ध्रुव यानी उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं चलती है अपने दाएं ओर चलती है, समझ गए, और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाएं ओर चलती है। कुछ नहीं, आप जानते हैं पृथ्वी कैसे वर्णन करती है? पश्चिम से पूरब की, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब की ओर। सिंपल सा बात है, पृथ्वी जो है ऐसे घूमन करती है। ये आपका कौन सा दिशा? पश्चिम। ये कौन सा दिशा?
तो पृथ्वी कैसे घूर्णन करती है? ऐसे पृथ्वी कैसे घूर्णन करती है? ऐसे इस तरह से घूर्णन करती है। अब जब पृथ्वी ऐसे घूर्णन करती है तो हवा किधर चलेगी? इधर चलेगी। बाइक पे बैठा है लड़की, अब लोग बाइक पे गए नहीं गए? अगर बाइक पे जा रहा है अब तो का हेड बाप किधर उल्टा पीछे, अगर बाइक उधर तो बाप किधर पीछे, तब वही तो हम समझा रहे वही चले। पृथ्वी जब इधर घूम रही है तो हवाएं किधर चलेगी? इस साइड चलेगी ना। अगर पृथ्वी इधर घूम रही है ऐसे तो हवाएं किस साइड? इस साइड। बस यही बात बोला है कौन? कोरियोलिस बोले हैं कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं किधर चलती है? दाईं ओर। और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। आप इस जगह पे खड़ा हो जाइए इधर मुंह करके, आपका दाएं हाथ किधर? इधर। और आप पर आ जाइए इधर मुंह करके इधर, आपका बायां हाथ किधर? उधर। हवा दोनों दिशा में चलते उतरे, हवाएं चलती उधर ही है, आपको सिर्फ खड़ा किए उधर और इधर। आपको अगर दक्षिणी गोलार्ध में खड़ा करेंगे इधर घुमा के खड़ा करेंगे नहीं है ना, तो आपको खड़ा करेंगे किधर घुमा के? पृथ्वी की ओर। इस जगह अगर खड़ा करेंगे तो आपका इस साइड में कौन सा हाथ आएगा? ना इधर कौन सा हाथ आएगा? बायां हाथ। और इधर अगर आप खड़ा कर दें आपको इधर घुमा के, तो आपका इस साइड कौन हाथ आएगा? वही चीज दिखाया गया, कुछ नहीं, बस हवाएं सिला पसीला समझिए उल्टा विपरीत दिशा में चलता है, बस उसको घबराने के लिए बोल दिया स्टेटमेंट। हवाएं उत्तरी गोलार्ध में किधर चलती है? अपनी दाईं ओर। और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। कुछ नहीं, आप इधर उधर जाइए एक के बाद है, आपका हाथ बदल गया, वैज्ञानिक ने वो है और कुछ है नया नहीं। अब समझ में आ गया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। आज आपका चैप्टर अब स्टार्ट करिए भारत की जलवायु। अब सूर्य जलवायु है, भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण मानसूनी जलवायु है भारत की जलवायु। अभी कोई सारा का सारा चीज समझे, भारत की जलवायु। और भारत की जो जलवायु है, भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण है और मानसूनी है। उष्ण और कैसा है? मानसूनी है। उष्ण मतलब तो आप लोग जानते होंगे गर्मी, और मानसून मतलब होता है आपका वर्षा ऋतु, तो आप जानते हैं। तो भारत की जलवायु उष्ण और मानसूनी है, तो पता कैसे किए? आपको बताया कि कल जलवायु का परिभाषा, मौसमी घटनाओं का 30 से 35 साल का अगर औसत निकालते हैं वही उस क्षेत्र का क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। मौसम अब कौन होगा? बोला अगर इस वायुमंडल में, वायुमंडल के ताप, दाब और आर्द्रता में क्षणिक परिवर्तन हो उसी को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। और इसी मौसमी घटनाओं का या ऋतु का 30 से 35 साल का अगर रिश्ते निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं, औसत निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, समझ गए? तब वही निकलता है क्या? जलवायु निकलता है। कल थोड़ा सा समझाए थे, समझ गए? आज इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते, करते डायरेक्ट। आपकी भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण है और मानसूनी है, मतलब भारत में ज्यादातर गर्मी रहता है, समझ गए? और क्या रहता है? मानसून रहता है। तो उष्ण तो आप जानते हैं गर्मी, और मानसून जो है एक शब्द है अरबी भाषा का शब्द है, वो शब्द कौन सा है? मौसम। एक अरबी भाषा का शब्द है मौसम, मौसम से बना है मानसून, और मौसम का शाब्दिक अर्थ होता है ऋतुवत हवाओं का प्रत्यावर्तन, मौसमी हवाओं का, मौसमी हवाओं का, मौसमी हवाओं का ऋतुवत यानी ऋतु के अनुसार ऋतुवत प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन यही क्या लाता है? इसका अर्थ मौसम का अर्थ होता है, मतलब है क्या? जो हवाएं चलती है ना, इसका ऋतु के अनुसार बदल जाना, ऋतु के अनुसार हवाओं का दिशा क्या करना? बदल जाना। सीधा का सीधा अपने ठेठ भाषा में इसका अर्थ यही निकलता है, वही इसको थोड़ा अच्छा भाषा में लिखिए, मौसमी हवाओं का ऋतुवत प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन मतलब होता है परिवर्तन, मतलब बदल जाए। हवाएं इधर से चल रही थी, कभी इधर हवाएं इधर से चलने लगी। आप लोग देखते हैं कभी पूर्वा बना है, कभी पश्चिमा बना है, कभी उत्तरा बना है, कभी दक्षिणा बना है, मतलब इसी का अर्थ क्या है? मौसम को मानसून, मानसून का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मौसमी हवाओं का ऋतुवत। और किस भाषा का शब्द है ये? अरबी भाषा का। पूछा गया क्वेश्चन है, पूछता है मानसून जो है आपका किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। किस शब्द से बना है? मौसमी शब्द से बना है। अब चलते हैं भारत में वर्षा ऋतु, भारत में क्या चलते हैं? वर्षा ऋतु डायरेक्ट, समझ गए? तो भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण है और मानसूनी है।
भारत की जलवायु उष्ण और मानसून ऋतु है, इसके पीछे थोड़ा सा आपका एक लॉजिक है, समझ गए, थोड़ा सा इसके देखते हैं क्या है, मैप निकालते हैं, समझ गए, और मैप में देखते हैं भारत की जलवायु पूर्ण जगह आते हैं किस कटिबंध में आते हैं, जस्ट कटिबंध बताए थे ना, अभी जस्ट आपको कटिबंध बताए हुए थे इस प्रकार से, चलिए देखिए आपको पढ़ाए थे अभी कटिबंध इस प्रकार से बोले थे पृथ्वी के बीचों बीच कितना डिग्री रेखा, इस जगह पे साढ़े तेईस डिग्री का क्या नाम रखे ऊपर वाले का कर्क रेखा, ऊपर वाले का क्या नाम है कर्क रेखा और नीचे वाले का क्या नाम है मकर रेखा, इसका नाम है मकर रेखा, मकर रेखा इसका नाम है और ये भी साढ़े तेईस डिग्री, हमारा जो भारत है इसी बीच में है, भारत इसमें है इसी बीच में, यानी कर्क रेखा से ऊपर थोड़ा सा है और कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच जाती है, और ये जो आपको बोले थे ये कौन सा कटिबंध उष्णकटिबंध, उष्णकटिबंध तो उष्णकटिबंध में क्या ठंडी पड़ेगा क्या, ये ना क्या पड़ेगा गर्मी पड़ेगा, ये कहलाता है उष्णकटिबंध है, क्यों क्योंकि इस वाले क्षेत्र में सूर्य की किरणें हमेशा क्या पड़ती है लंबवत पड़ती है सीधी पड़ती है, और सूर्य की किरणें अगर लंबवत पड़ेगी सीधी पड़ेगी सिंपल वर्तनी तो लगेगा नहीं क्या लगेगा गर्मी लगेगा, इसी वजह से कहता है कि भारत की जलवायु कैसी है उष्ण है, और मानसून को अभी जैसे पढ़ाएंगे पहले वर्षा ऋतु स्टार्ट करते हैं, समझ गए, हमारे भारत में कहता है हमारे भारत में जो वर्षा होता है दो मानसून से होता है, कितने मानसून से दो मानसून से होता है, मतलब दो प्रकार के मानसून, दूसरे मानसून का दिशा है, मानसून का क्या है दिशा है, भारत में जो वर्षा होती है कितने मानसून से दो प्रकार के मानसून से होती है, सबसे पहला जो मानसून है आपका है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दिशा सुनिएगा थोड़ा सा, ऊपर कौन सा दिशा उत्तर, ऊपर नीचे और इस साइड पूरब, इस साइड और इस साइड पश्चिम में, तो भारत में जो वर्षा होती है भारत में वर्षा दो मानसून से होता है, एक ऐसा मानसून जो दक्षिण और पश्चिम से बीच से होकर जाती है अरब सागर से होते हुए जाती है, और एक मानसून से जो वर्षा होती है इस साइड से आती है जिसको बोलते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून, तो इसको बोलते हैं जाता हुआ मानसून और उसको बोलते हैं लौटता हुआ मानसून, आता हुआ लौटता हुआ मानसून, उसको क्या बोलते हैं लौटता हुआ मानसून, इधर से जाता हुआ इधर से आता हुआ, तो इसको बोलते सुनिए इस भारत में जो सबसे ज्यादा वर्षा होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, तो वर्षा होता कैसे आप लोग पढ़े बचपन में वर्षा का बूंदों का जलवाष्प जलवाष्प बूंदों का संगणन हो जाए उसी प्रकार से क्या होता है वर्षा होता है, नहीं जानते हैं बच्चे से पढ़े होंगे आप लोग क्या होता है सुनिए, बगल में समुद्र इस साइड में समुद्र, तो क्या होता है समुद्र के जल का गर्म होके वाष्प बन के कहा होता है ऊपर होता है, जब जलवाष्प ऊपर बन के ऊपर होता है तो जैसे जैसे जलवाष्प ऊपर जाता है जस्ट बता ऊपर जाके क्या हो जाता है ठंडा, जलवाष्प कैसा हो जाता है ठंडा, जैसे जैसे जलवाष्प की बूंदे छोटी छोटी बूंदे ठंडा हो जाती है ऊपर ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद बड़ा बूंद में बदल जाता है, यही जलवाष्प का ठंडा होके बड़े बूंदों में बदलना क्या कहलाता है संघनन कहलाता है, और वही बूंद जब बड़ा हो जाता है ना वजन वहां थमने पाता है, वजन नहीं थमा क्या होते टपक गया, अब सिंपल सा बात है इधर भी समुद्र इधर भी समुद्र, तो यहाँ का जो जितना भी हवाएं गर्म होगी यानी जलवाष्प गर्म होगा तो ऊपर उठेगा और ऊपर उठ के जलवाष्प यहाँ पे रहेगा, जैसे ही अगर कोई हवा इधर से आया सारा का सारा जलवाष्प का बूंद यानी बादल मानसून, अभी गर्मी है हमारे भारत देश में कितना गर्मी लग रहा है, अभी सब जलवाष्प ऊपर उठ के गर्म होके ठंडा हो रहा होगा, पहुंच बूंद जैसे आएगा केरल के तट से टकराएगा सब, और हमारे पास आते आते बिहार आते आते जानते हैं जुलाई में क्या चले आएगा लगभग पूरा जो पूरा उधर की वर्षा बोलते आदो कादो वो सब होगा जुलाई में वर्षा होने लगेगा, जून के बाद थोड़ा हल्का फल्का वर्षा होगा, लेकिन यहीं से जाता है वो अरब सागर से और कुछ इधर का पानी ऐसे घूमता है जो घूमता है आगे पड़ता है, तो सबसे पहला मानसून पहुंचा दक्षिण पश्चिम मानसून, कौन सा मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून, और दूसरा मानसून जो आता है इधर से आता है उसको कौन सा बोलते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून, क्या बोलते हैं उसको उत्तरी पूर्वी मानसून, अब समझिएगा थोड़ा सा एक चीज वर्ड का मैप खोला है देश में कौन सर्च कर देते हैं, तो
बताएंगे, अभी एक चीज बताएंगे, उत्तरायण और दक्षिणायन। अभी क्या बता रहे थे? उत्तरायण और दक्षिणायन, इसका बड़ी महत्व है। उत्तरायण और दक्षिणायन का एक होता है उत्तरायण और एक होता है दक्षिणायन। क्या होता है समझिएगा इस चीज को, क्या होता है? आप जानते हैं हमारी पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। हमारी पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का चक्कर लगाती है। इस चीजों को आप देखते रहिएगा थोड़ा सा एक सेकंड। पृथ्वी इस प्रकार से, उत्तरायण मतलब हुआ उत्तर और दक्षिणायन मतलब हुआ दक्षिण। उत्तर माने उत्तरायण मतलब कहता है कि जब सूर्य कर्क रेखा पे लगभग पड़े तो बोलते हैं सूर्य क्या है? उत्तरायण है। जब सूर्य किस पे पड़े? कर्क रेखा पे पड़े। जब सूर्य किस पे पड़े? कर्क रेखा पे लगभग पड़े तो उसको बोलते हैं उत्तरायण। जब सूर्य मकर रेखा पे लगभग पड़े तो उसको क्या बोलते हैं? दक्षिणायन। तो क्या होता है समझिए, ये आपका वर्ल्ड मैप और ये क्या कर रही है इसको समझिए सूर्य, और इसका चक्कर लगा रही है समझिए। इसको घूमते घूमते अगर उस साइड चले जाए, अभी अगर सूर्य की किरणें आ रही है, आप जानते हैं पृथ्वी कितना डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। तो सूर्य की किरणें इस कर्क रेखा पे सीधे लंबवत पड़ेगी, क्या सीधा का सीधा लंबवत पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ऐसे है और यही चीज ऐसे घूम के इस साइड चले आए इस प्रकार से। अब सूर्य की किरणें कहाँ पड़ेगी? इस जगह पे पड़ेगी और उस नीचे रेखी नहीं समझ में आया अभी समझिए इतना ये है। अभी अगर सूर्य की किरणें पड़ रही है तो सूर्य की किरणें सीधा का सीधा किस पे पड़ रहा है? ये थोड़ा छोटा है इस वजह से आपको लग रहा होगा सूर्य का, सूर्य की किरणें दूर से आती है ना, सूर्य की किरणें दूर से आती है उसको इमेज कीजिए मोबाइल से बड़ा, इससे बड़ा तो वही है। अगर सूर्य की किरणें आ रही है तो सबसे पहले सूर्य की किरणें क्या होती है? कर्क रेखा पे लंबवत पड़ती है। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे लंबवत पड़ेगा उसको बोलते हैं उत्तरायण, और सूर्य की किरणें मकर रेखा पे तो कैसे होता है देखिए यही चीज होता है। अगर अभी है, अभी कर्क रेखा पे मान लीजिए तो लंबवत है, यही घूम के अगर ऐसे हो जाए इधर से घूमते घूमते ऐसे ऐसे इधर चले आए और इस प्रकार से हो जाए, इस बार ये वाला चीज नीचे वाला ये नीचे चले गया मकर रेखा का चले गया नीचे, ऊपर क्या आ गया कर्क रेखा, और यही चीज अगर इधर आ जाए तो मकर रेखा यहाँ पे आएगा सीधा का सूर्य का किरण कहाँ पड़ेगा? मकर रेखा पे सीधा का सीधा पड़ेगा। इस चीज को थोड़ा सा आप इमेजिन कीजिए समझिए क्या करना है। देखिए अभी निकला हुआ जैसे ये चीज समझिए ऐसे उठा हुआ है, यह हम समझ गया इससे है। अब अगर इस प्रकार से है और सूर्य इस जगह पे है ऐसे समझिए हमको, तो सबसे सूर्य का किरण सबसे पहले कहाँ पड़ेगा हमको? इस जगह पे पड़ेगा ना। यही चीज घूमते घूमते हम इधर से इस साइड चले आए, अगली बार ये पीछे है और ये क्या है आगे है, अगली बार सूर्य का किरण ऐसे झुका हुआ है, तो अगर हम इधर आ जाए सूर्य का किरण यहाँ पे लेकिन यहाँ ऊपर भी पड़ेगा ना, बस सेम वही बात है टेढ़ा जिसका डाल टेढ़ा है। और अब चलिए अभी अगर सूर्य की किरण लंबवत पड़ रही है ऊपर उठा हुआ है तो कमर पे सीधा का सीधा पड़ रहा है, अगर ये ऊपर उठा हुआ है तो मकर रेखा पे समझ लीजिए सीधा का सीधा लंबवत किरण क्या कर रही है? पड़ रही है नीचे वाले पे। यही चीज घूमते घूमते किधर चले आए? इधर चले आए ऐसे। अब देखिए अब इसमें सीधा होगा कर्क रेखा पे होगा, अब कर्क रेखा पे सीधा होगा मकर रेखा कहाँ चले गया? नीचे चले गया। तो सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है कभी कर्क रेखा पे और कभी किस रेखा पे? मकर रेखा पे। कर्क रेखा आपका ये है, कर्क रेखा कौन सा है? ये है, और मकर रेखा कौन सा आपका? नीचे वाला। मकर रेखा आपका ये हो गया और कर्क रेखा आपका ऊपर हो गया। जब कर्क रेखा हमारे यहाँ कर्क रेखा पे यानी उत्तरायण जब रहता है हमारे यहाँ क्या पड़ता है? गर्मी पड़ता है, और जब सूर्य दक्षिणायन हो हमारे यहाँ क्या पड़ता है? ठंडी पड़ता है। जब सूर्य कैसा हो? उत्तरायण हो, यानी जब सूर्य किस पे हो? कर्क रेखा पे हो। सूर्य किस पे हो? कर्क रेखा पे हो, तो हमारे यहाँ गर्मी और सीधा का सीधा लंबवत पड़ रहा है। कितना हार्ड लग रहा है, सुबह 5 बजे सूर्य निकल जाता है और शाम में 7:30 बजे जाता है हमारे पास से, तब थोड़ा सा क्या होता है राहत। और ये बीचों बीच वाला रेखा का क्या नाम है बता दीजिए थोड़ा सी बात, इसका क्या नाम है? इसका रेखा तो 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री ये उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण। अब क्या है सुनिएगा, जब सूर्य की किरणें देखिएगा दक्षिण पूर्व दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता कैसे है, जब सूर्य की किरणें उत्तरायण हो इस पे लंबवत पड़े कर्क रेखा पे, तो कर्क रेखा पे कैसा वायु दाब? कर्क रेखा पे उच्च वायु दाब, निम्न वायु दाब। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे लंबवत पड़े तो कर्क रेखा पे कैसा वायु दाब? निम्न वायु दाब। तो भूमध्य रेखा पे कैसा वायु दाब? मध्य रेखा पे उच्च वायु दाब। जब सूर्य की किरणें कहाँ? इस पे लंबवत पड़ रही है कर्क रेखा पे,
सूर्य की किरण का फोकस कहाँ है, किस वाले बैठ पे है, तो यहाँ पे कब फोकस करेगा, यहाँ पे कैसा फोकस करेगा, कब फोकस करेगा यहाँ पे आपका, जब हमारे देश में गर्मी रहता है, ऑस्ट्रेलिया में ठंडी रहता है, ऑस्ट्रेलिया में क्या रहता है ठंडी रहता है, दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में गर्मी रहता है तो हमारे देश में क्या रहता है ठंडी रहता है, उल्टा चलता है एनी टाइम। सूर्य फोकस कर रहा है यहाँ पे, और सूर्य जब फोकस यहाँ कर रहा है तो यहाँ की जितनी भी वायु है गर्म होके कहाँ उड़ गई, ऊपर उड़ गई, तो यहाँ पे कैसा वायुदाब, वायुदाब यहाँ पे वायुदाब कैसा, और यहाँ पे सूर्य का जब गर्मी बढ़ रहा है इस जगह पे क्या कर रहे हैं, इस जगह का जितना भी जलवाष्प है, इस जगह का जितना भी जलवाष्प है सब गर्म होके क्या कर रहा है, ऊपर उठ गया है अभी तक, और अब इधर से चाहिए इसको हवा, जो हवा झोंका दे हमारे भारत में जलवाष्प चले जाए, और इधर अब देखिए इधर निम्न वायुदाब तो मकर रेखा और कर्क रेखा के, मकर रेखा और भूमध्य रेखा के साइड कैसा वायुदाब, उच्च वायुदाब, और वायुदाब आपको बताए हवाएं उच्च वायुदाब किस 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 वायुदाब की ओर चलती है, निम्न वायुदाब की ओर। अरे ये बात बताइए अगर सूर्य यहाँ पे पड़ेगा तो यहाँ और यहाँ की अपेक्षा में दोनों जगह एक ही जैसा वायुदाब होगा, दोनों एक ही जैसा होगा नहीं होगा, दोनों जगह अंतर होगा कि नहीं, दोनों जगह अंतर होगा, मतलब यहाँ वायुदाब होगा निम्न और यहाँ वायुदाब होगा उच्च, तो यहाँ का जो उच्च वायुदाब है इधर की हवाएं किधर चलेगी, इस साइड चलेगी, किधर चलेगी ऊपर जाएगी, हवाएं नहीं ऊपर जाएंगी तो हवाएं इधर से चलने लगेंगी इधर, और इस जगह का जैसे ही इस जगह से चलेगी हवाएं इधर का जितना भी जलवाष्प है जितना भी बादल है सब बादल को लेके कहाँ चले आएगा, हमारे भारत, तो इधर से जो आपका जलवाष्प वाला ये हवाएं चली इसी को अभी जस्ट बोले हैं मौसमी हवाओं का ऋतुबद्ध प्रत्यावर्तन, ऋतु के अनुसार क्या हो गया इधर जाने लगेगा, और यही जब ठंडी आएगा ना, यही जब ठंडी आ जाएगा तो यहाँ पे कैसा वायुदाब, मकर रेखा पर जब अगर मकर रेखा पे कैसा वायुदाब, वायुदाब जब सूर्य की किरणें लगभग पड़ेगी मकर रेखा पे हमारे इस वाले पे कैसा वायुदाब, उच्च वायुदाब, यहाँ पे उच्च वायुदाब, जब मकर रेखा पे यानी जब सूर्य दक्षिणायन हो, जब सूर्य मकर रेखा पे लगभग पड़ रही हो तो हमारे इस कर्क रेखा पे उच्च वायुदाब, और यहाँ पे कैसा वायुदाब, निम्न वायुदाब, तब हवाएं इधर से किधर चलेगी, तब हवाएं इधर से इधर चलेगी, तब हवाएं जब इधर से इधर चलेगी तो उसी को हम बोलते हैं लौटता हुआ मानसून, और इधर से जब हवाएं इधर से चलती है तो क्या बोलते हैं इसको, जाता हुआ मानसून, तो इधर से गया तो दक्षिण पश्चिमी, उधर से आया तो उत्तरी पूर्वी, उधर से आया तो उत्तरी पूर्वी, इधर से गया तो दक्षिणी पश्चिमी, समझ में आया, दक्षिणी पूर्वी से सबसे ज्यादा वर्षा होता, अब थोड़ा सा समझिए बस क्योंकि यही चीज है, बस गया गोबर। अब चलिए इधर से जो हवाएं जा रही थी तो हवाएं अपने साथ जलवाष्प लेके जाएंगी, काहे की जगह पे समुद्र है, समुद्र का पानी सूर्य के ऊपर में जलवाष्प रखा है, और सूर्य रखा है ऊपर में, और उधर से जो हवाएं आएंगी यहाँ पे जलवाष्प है, है यहाँ पे जलवाष्प है क्या, नहीं है यहाँ पे, जब जलवाष्प लेते हैं उधर से जो हवाएं चलेगी अपने साथ वर्षा करेगी क्या, नहीं करेगी, सिंपल सा बात है, तो लौटता हुआ मानसून जब आता है तो भारत में वर्षा नहीं होता है, लेकिन एक एक्सेप्शनल है आपका तमिलनाडु राज्य, जब इधर से आता है ना समझ के इधर से लौटता है, अब दिखाते हैं आपको अपना भारत, इसको समझे, इधर से जो जाता है उसको दक्षिणी पश्चिमी, और इधर से जो आता है उत्तरी पूर्वी, इधर से जाने के पीछे का रीजन समझे, उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब, जब सूर्य उत्तरायण हो, जब सूर्य कैसा हो उत्तरायण हो तो कर्क रेखा पे कैसा वायुदाब, निम्न वायुदाब, कर्क रेखा पे कैसा वायुदाब, और भूमध्य रेखा और मकर रेखा पे कैसा वायुदाब, उच्च वायुदाब, जब सूर्य दक्षिणायन हो, जब सूर्य कैसा हो दक्षिणायन हो तो दक्षिणायन मकर रेखा पे कैसा वायुदाब, निम्न वायुदाब, और उधर कैसा वायुदाब, और हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है यानी बहती है, जब यहाँ निम्न इधर उच्च तो हवाएं इधर से इधर, जब यहाँ पे निम्न यहाँ उच्च तो हवाएं इधर से इधर, और यहाँ पे उच्च और यहाँ पे निम्न तो हवाएं इधर से इधर, यही जब हवा यही तो मानसून है, बस हवाओं का बोले तुरंत हवाओं का ऋतुगत मौसमी हवाओं का ऋतुगत प्रत्यावर्तन, पहले इधर से जाता उधर से होगा, हवाओं का क्या हो गया प्रत्यावर्तन हुआ ना, बस वही है मानसून, और बीच में फंस गया उसका जलवाष्प, बीच में आ गया जलवाष्प, तो जलवाष्प को जैसे ही लेके आया ये कौन सी मानसून होगी, दक्षिणी पश्चिमी, और उधर से जो आया तो
अब देखिए इधर से जो वर्षा होती है, इधर से जो मानसून जाती है, कहता हमारे भारत के संपूर्ण क्षेत्र में वर्षा करती है। भारत में जो सबसे ज्यादा वर्षा, भारत में लगभग 90% जो वर्षा होती है इसी मानसून की वजह से होती है। किस मानसून की वजह से? दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वजह से। और 10-5% जो वर्षा होता है भारत में, जितना भी वर्षा होता है उससे वर्षा होता है किसके मानसून से? उत्तरी पूर्वी मानसून से, यानी लौटता हुआ मानसून से। लेकिन एक राज्य मात्र है, वो राज्य है तमिलनाडु। एक राजमार्ग कौन सा है? तो तमिलनाडु में शीतकाल में भी क्या होती है? वर्षा होती है। शीतकाल में मतलब सूर्य कहाँ है? इस वाले में है। और कैसा मानसून आ रहा है? लौटता हुआ मानसून आ रहा है। तुरंत दिखाते हैं शीतकाल में वर्षा क्यों होता है, इसके पीछे का क्या रीजन है। होता है जब इधर से मानसून जाती है, इधर से इसे दक्षिण, अभी दिशा समझ रहे, समझ रहे, इधर से कौन सा मानसून जाएगा? दक्षिणी पश्चिमी। जब इधर से मानसून जाता है इस जगह पे है पश्चिमी घाट पर्वत वाला, इस जगह पे कौन सा घाट पर्वत वाला? पश्चिमी घाट पर्वत वाला। और मानसून हवाएं जो है ये बादल आपका जाके टकरा जाता है किसी पश्चिमी घाट से, और पश्चिमी घाट से जो टकरा जाती है टकरा के ही सबसे ज्यादा वर्षा करती है। किसके? पश्चिमी घाट में। टकराने के बाद सबसे ज्यादा वर्षा करती है पश्चिमी घाट में। टकराने के बाद सबसे ज्यादा पश्चिमी घाट में। इसी वजह से जितने भी पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में एनी टाइम सबसे ज्यादा वर्षा होती है, और लगभग 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। और जब इसमें 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है, जहाँ वर्षा ज्यादा वहाँ पे किस प्रकार के वन? सदाबहार वन। किस प्रकार के वन? सदाबहार वन। वैसा वन जो सब दिन हरा भरा रहे। हम कहते अगर सब दिन बारिश पड़ते रहे हमारे बिहार में, देखो पेड़ पौधा सूखेगा क्या? नहीं सूखेगा। जो पेड़ पौधा सब कभी नहीं सूखे वैसा कौन सा वन? सदाबहार वन। मतलब सब दिन हरा भरा। आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा सदाबहार वन किस जगह पाए जाते हैं? इस पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। और पश्चिमी घाट में जो आपका केरल वाला नीलगिरी वाला क्षेत्र जो होता है वहाँ पे क्या पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं। और जहाँ पे सदाबहार वन पाए जाएंगे, जंगल पाए जाएंगे, वहाँ पे जैव विविधता भी क्या पाया जाएगा? ज्यादा पाया जाएगा। वहाँ पे क्या पाया जाएगा? जैव विविधता। जैव विविधता कोई बड़ा चीज नहीं है। जैव विविधता मतलब अलग अलग प्रकार के जीव। आप लोग देखते हो ये वर्षा ऋतु में सबसे ज्यादा आपको जीव, तरह तरह का जीव देखने को मिलता होगा। ऐसा ऐसा कीड़ा मकोड़ा अगर आप कहीं पे बल्ब जलाए होंगे, वर्षा ऋतु में बल्ब जलाइए, तरह तरह का कीड़ा मकोड़ा आ जाएगा। इतना बड़ा बड़ा छोटा मोटा सब हजार प्रकार का। तो वर्षा जहाँ ज्यादा होगा वहाँ पे जैव विविधता भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और जंगल ज्यादा होगा तो जंगलों में जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा सब क्या रहता है? ज्यादा रहता है। तो जैव विविधता वही, जैव माने जीव, विविधता माने अंतर, अलग अलग प्रकार का जीव। जैसे हमारे क्लास रूम में अभी कोई दिन चक्का होगा, मच्छर होगा, क्रिकेट होगा, तो मान लेते हमारे इस क्लास रूम में जैव विविधता क्या हुआ है? पहुंच हुआ है। देखो हम है, आप लोग है, समझ गए, मनुष्य है, तो मनुष्य के साथ साथ देखो छिपकी भी होगा, मच्छर होगा, मक्खी भी होगा, ऐसा ऐसा करके पांच गो है। यानी जीव जैव विविधता यहाँ पे क्या है? कम है। पांच गो प्रकार का जीव है। जंगल चले जाइए, एकदम घनघोर जंगल, सदाबहार जंगल चले जाइए, कितना प्रकार का जीव, शेर, बालू, मिट्टा, तरह तरह का कीट मकोड़ा पड़ता है। वहां पे जैव विविधता क्या होता है? ज्यादा होता है। पश्चिमी घाट में जैव विविधता के लिए हॉटस्पॉट क्षेत्र है। तो पश्चिमी घाट में वर्षा क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। किससे? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। जब वर्षा होता है तो तमिलनाडु राज्य में भी होता है, इधर भी होता है, इधर भी होता है। यही हवाएं जब इधर आती है, यही हवाएं जब किधर आती है? इधर आती है, इस साइड आती है, इधर से नीचे से जब इधर आती है, इस जगह का जो जलवाष्प रहता है, ये बंगाल की खाड़ी का जलवाष्प, ये जलवाष्प आपके टकराता है। इससे इस जगह पे आपका गारो, खासी, जैंतिया, इस जगह पे म्यांमार, इस जगह से पर्वत है, बहुत सारा नहीं पर्वत है, जुड़ंगाई सब पार करता है। और इस जगह पे हिमालय पर्वतमाला, इस जगह पे कौन सा पर्वतमाला? हिमालय पर्वतमाला। जब इधर से हवाएं जाएगी तो हवाएं जाके किधर उड़ेगी? इस साइड उड़ेगी क्या? उड़ेगा जाके चले जाएगा उधर, हिमालय को लौट पाएगा? नहीं लौट पाएगा। तो ये मानसून की टर्न हो जाती है हमारे इस वाले में, गंगा नदी घाटियों से होते हुए चली जाती है हमारे बिहार राज्य में, कहाँ चली जाती है? बिहार राज्य में। और उत्तर भारत में क्या करती है? मानसून इधर से घूम के आती है, ये आपका बंगाल की खाड़ी वाला शाखा, तो इस जगह पे क्या करती है? हमारे यहाँ दिल्ली तक जो वर्षा होता है, अभी जो वर्षा होगा आगे, यही मानसून से वर्षा होगा, अभी जो वर्षा होगा यही दक्षिणी पश्चिमी मानसून से क्या होगा हमारे भारत देश में वर्षा होगा, इधर से इधर पूरा का पूरा इस वाले क्षेत्र में। और इस जगह पे अरावली पहाड़ी है, अरावली पहाड़ी अपने इधर से हवा इधर जाने की देता नहीं है।
नहीं कर देता है, इस साइड वर्षा हो पाता ही नहीं है, इस साइड वर्षा नहीं हो पाता है। किसका विकास हुआ है? मरुस्थल का। किसका विकास हुआ है? मरुस्थल का, जिसको आप कहते हैं थार मरुस्थल। इसको क्या कहते हैं? थार मरुस्थल। अगर जगाला वाली पहाड़ी नहीं होता, थार मरुस्थल नहीं होता, वर्षा इधर से जाता है, इधर से वर्षा करता, और इस जगह पे भीड़ पता है, मांडर बारदा इस सब पहाड़ी इस पे है, और इधर से जमने नहीं देता इस सब पहाड़ी, और अरावली पहाड़ी इधर थोड़ा हल्का हल्का गया तो कोई दिक्कत उससे है नहीं, और इधर से जाता है इधर अरावली पहाड़ी क्या करती है, रोक लेती है वर्षा। सबसे ज्यादा वर्षा भारत में किससे? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। आपने पूछेगा बिहार में जो मानसून आता है किसका वर्षा होता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। अब आता है लौटता हुआ मानसून, उधर से लौटेगा, उधर से जो लौटता हुआ मानसून आता है, समझ गए, चलिए इसको छोड़िए, आता जो उधर से लौटता हुआ मानसून जो आता है इधर से आता है, और इधर से जब आएगा तो इधर पूरा का पूरा क्या है, जमीन है, हवाएं तो आती है लेकिन हवा को जलवाष्प मिल पाता नहीं, जब जलवाष्प में नहीं मिल पाया तो वर्षा करेगी क्या? नहीं करेगी, वो वर्षा नहीं करेगी, तो जलवाष्प उसको नहीं मिल पाता, जो वर्षा करता नहीं है, इधर से हवा आता है, इधर से चले आता, और इधर जो है हिमालय पर्वतमाला, समझिएगा इसी जगह पे हिमालय पर्वतमाला जब इधर से चलती है हवा, एकदम ठंडा ठंडा हवा चलता है इधर से, और इधर से जब ठंडा हवा चलता है, इस ठंडी हवाओं से हमको बचाता कौन है? हिमालय पर्वतमाला। नहीं तो ठंडी में बिहार में इतना ठंडी पड़ेगा आदमी का हड्डी जम हो जाएगा, मर जाएगा, अगर हिमालय ले रहे समझ गए, वो ठंडी हवा इतना चलती है, समझ गए, आदमी मर जाएगा। ऐसे ऐसे ही अगर हिमालय जाता तो मैक्सिमम हवा को रोक लेता है कौन? हिमालय। और जो हल्का फल्का हवा उछलने लगता है तो नहीं करता, उड़ गया पूरा का पूरा, नहीं करते पूरा का पूरा, की जो ठंडी में चलता है पूरा एकदम हवा पूरा का पूरा जो ठंडा लगाता है, समझ गए, उसको कोहरा बोलते हैं ना। यही हवा कभी कभी हिमालय से निकल के नहीं समझे पर्वत नहीं रोक पाया, ज्यादा ऊंचाई से आ गया तो आ जाता है हमारे बिहार राष्ट्र, वही हवा पूरा का पूरा चलता है। यही हवा जब इधर से चलती है, इधर से आ रही है तो कहिएगा इस जगह तो वर्षा पड़ता नहीं है, जैसे कि हमारी बंगाल की खाड़ी इस जगह आती है, इसको जलवाष्प मिल जाता है यहाँ से, बंगाल की खाड़ी में जलवाष्प है कि नहीं, बंगाल की खाड़ी में इसको जलवाष्प मिल जाता है, बढ़ता है और यहाँ आके वर्षा लेके तमिलनाडु में बढ़ देता है। यही हवा जब सीधी सीधी ऐसे आती है यहाँ पे तमिलनाडु में वर्षा हो जाता है, कहा उसको जलवाष्प मिल जाता है किससे? बंगाल की खाड़ी से। ये शीत ऋतु में भी वर्षा कहाँ पे? तमिलनाडु में, और कहीं वर्षा होता है नहीं, और इसीलिए इसका नाम इसका इसका कौन सा हम बोलते हैं तट, इसको कौन सा तट बोलते हैं? कोरोमंडल तट। कौन सा तट बोलते हैं? कोरोमंडल तट। आपसे पूछेगा भारत में एकमात्र तट है जहाँ पे शीत ऋतु में वर्षा होती है, कौन सा तट है? कोरोमंडल तट है। भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ शीत ऋतु और गर्मी ऋतु में दोनों में वर्षा होता है, कौन सा राज्य है? तमिलनाडु राज्य है। लौटता हुआ मानसून से सिर्फ और सिर्फ वर्षा तमिलनाडु राज्य में होता है, कहा होता है। लेकिन हवाएं तो चल रही है, हवा को क्या चाहिए? जलवाष्प चाहिए। जब उस तक उसको जलवाष्प नहीं मिलेगा वो वर्षा करेगा नहीं, जब तक उसको जलवाष्प न मिले वो वर्षा नहीं करेगी। और इधर से जब आ रहा है, इधर तो चाइना रूस सब देश है, ठंडा ठंडा प्रदेश देश है, उत्तरी ध्रुव से आ रहा है हवा, जब इधर से हवाएं आ रही है इसको तो जलवाष्प मिला नहीं, और जलवाष्प जब नहीं मिला इस जगह वर्षा होगा क्या? इस जगह वर्षा होगा, इस जगह वर्षा होगा, वर्षा होगा ही नहीं। जैसे ही ये हवा यहाँ आई, अब तो बंगाल की खाड़ी में उसको क्या मिलेगा? जलवाष्प मिलेगा। बंगाल की खाड़ी में जलवाष्प मिलता है, जलवाष्प लेके हवाएं जब आती है तो आके टकराती है किससे? इस पूर्वी घाट से। जो पूर्वी घाट है पता है, ढेरी पहाड़ी थी, सहसाचलम सब पहाड़ी क्या बताती है, सहसाचलम सेवाराय पंचमलाई सिरुमलाई भूल गए क्या जी कावेरी नदी में जल जो रहता है सालों भर रहता है, बोले थे कावेरी नदी के जल का स्रोत क्या है? जाता हुआ मानसून भी वर्षा कर देता है, आता हुआ मानसून भी वर्षा कर देता है, इसी वजह से कावेरी नदी में सालों भर क्या रहता है? जल रहता है। इसके पीछे का एक वो रीजन है की दोनों साइड से वर्षा होता है, समझिए यहाँ पर गर्मी ऋतु भी बता है काय गर्मी होता है, कर्क रेखा पे लंबवत पड़ेगा गर्मी में ठंडा लगेगा, सीधा का सीधा बात है, जब सूर्य उत्तरायण होता है तो भारत में गर्मी, और सूर्य जब दक्षिणायन हो तो भारत में ठंडी, जब सूर्य उत्तरायण हो तो गर्मी, और सूर्य दक्षिणायन हो तो भारत में ठंडी,
अब सूर्य चले आएगा मकर रेखा पे, हम लोग की तरफ नहीं लगे, हम लोग को कैसा किरण पड़ेगा, तिरछा किरण पड़ेगा, कैसा पड़ेगा तिरछा, इसीलिए जब तिरछा दूर से किरण आता है तो आपको धूप में निकलते एकदम सेकने के लिए शरीर का, शरीर के लिए थोड़ा विटामिन डी, अभी विटामिन डी दीजिए दीवाली को, अभी विटामिन डी नहीं देता है क्या, अभी और ज्यादा विटामिन डी देता है, अभी विटामिन डी देगा समझ गया, लेकिन सारा का सारा जलवाष्प खींच लेगा सूर्य का आपके शरीर से, समझ गया और बढ़ाएंगे।